अभी आपको देख रहा है, बोलूंगा ना कि यार ये बेकार गिम्बल। Hey everyone, my name is Dhruv and welcome back to the channel I Dhruv. So on the very positive note of be you, create new, let's get started with the video. For those of you who are the fresh viewers of my channel, do watch the entire video and then subscribe the channel. Do hit the like button in the last if you found this video informational. So आप में से जितने लोग मुझे Instagram पे follow करते हैं सबको पता ही होगा कि कल Instagram पे मैंने एक poll डाला था अपने gimbal की photo डालकर कि इसके ऊपर मुझे एक dedicated video बनानी चाहिए या नहीं, और उसके अंदर से approximately 70-80 लोगों ने कहा था कि they want a dedicated video on this. So, भी थोड़े से देख लो इसके सिनेमैटिक्स की दिखता कैसा है, लिमिटेड एडिशन है तो कैसे है लिमिटेड एडिशन। यहाँ तो यार मन नहीं कर रहा करने का, दिल्ली के मौसम का ना कुछ कह नहीं सकते ऐसे बिल्कुल। अभी ना आपको आवाज के अंदर लग रही होगी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन, तो माइक के ऊपर लगा देता हूँ डेड कैट ऑफ। हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो रखी है यार, फटाफट से इसके सिनेमैटिक शूट कर लो क्योंकि नेचुरल लाइट के अंदर जो सिनेमैटिक्स आते हैं वो और कहीं आ नहीं सकते। तूफानों से लड़ते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें। गिम्बल के बारे में जितने स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको दूंगा नीचे जाके, क्योंकि जहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही है समझ कुछ नहीं आने वाला। अब बारिश भी शुरू हो गई है, भागो भागो तूफान आ गया भागो। आज तो सच में लग रहा था तूफान से सारा का सारा सामान उड़ जाता है, इतनी तेज हवा चल रही थी ना। उससे पहले कुछ लेने के देने में जाते तो हम आगे पहले नीचे। सो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आप में से जितने भी लोग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के एंथुसियास्ट है उनको एक गिम्बल के बारे में पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि ये जो मैं गिम्बल यूज कर रहा हूँ काफी पहले आया था, इसका रिव्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेट है, पर इसके अंदर भी कुछ खास है। आपने एक सेट देखा, एक सेट आता है ज़ूम स्मूथ फॉर ब्लैक एंड सेम कम्स इन व्हाइट, बट मेरे वाला है येलो। आपने कभी भी एक येलो स्मूथ फॉर कभी देखा नहीं होगा कि इसका राज क्या है। अनबॉक्सिंग आपने देखी रही थी इसकी। ओके, दिस इज द गिम्बल। अब जब मैंने इसको लिया था तब इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं खास जो मेरे को लगा कि हाँ मैंने अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए जरूर लिया था, लेकिन मेरे को ना कुछ अलग चाहिए था। अब मेरी कोई सी भी चीज उठा के देख लो, या तो मेरी स्कूटी की वीडियो देख लो सबसे अलग, लैपटॉप की भी वीडियो ना आपके लिए लेकर आऊंगा एक बार, कार्बन फाइबर वाला है। तो लैपटॉप की भी वीडियो जल्दी आएगी, अगर आपको देखनी है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि एक तो गेमिंग लैपटॉप है, ऊपर से इसके ऊपर जो स्किन है वो टोटल कार्बन फाइबर है। आ जाते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट के ऊपर कि अजीब सी चीज है क्या। सो अगर जिसने भी ये वीडियो खोली है उसको इस चीज के बारे में पता होगा, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी वीडियोग्राफी के काम आता है और हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देता है। आप ये मेरी एक वीडियो का सैंपल देखो जिसके अंदर इसी डिवाइस से मैंने एक गो थ्रू शॉट लिया था विच कम्स इन मूवीज, जिसके अंदर हम सिनेमैटिक्स ले सकते हैं, बेसिकली स्लो मोज लिए जाते हैं और वीडियो को बहुत ही ज्यादा स्टेबल करने के लिए ये काम आता है। बेसिकली ये एक मोबाइल गिम्बल है, DSLR के लिए भी आते हैं, GoPros मतलब एक्शन कैमरा के लिए भी गिम्बल्स आते हैं। What you need to do is you need to take your smartphone। एक बेटर ऑप्शन ये होगा कि अपने स्मार्टफोन का कवर कर दो रिमूव। मैं इसके डिटेल्ड रिव्यू के अंदर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि जो मेन मोटिव था वीडियो का वो था आपको रैप दिखाना, वो मैं दिखाऊंगा इसके छोटे से ब्रीफ के बाद। जब हम इसको स्ट्रेट करते हैं तभी आ जाता है हमारा स्लीप मोड पर, मतलब पावर ऑन रहती है, पर यू कैन यूज द फोन फ्री। जैसे ही आप इसको स्लीप मोड से हटाएंगे इट कम्स इन द एक्शन टू रिकॉर्ड द वीडियो। सो बेसिकली इसके अंदर दो फंक्शंस हैं, ये जो आगे फ्रंट में बटन है दिस अप एंड दिस डाउन, ये दो बटन्स को याद रखना। अब अगर मैं इस बटन को कर देता हूँ, इसके आपको और भी ट्यूटोरियल्स आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल नहीं है, ये आप देख रहे हो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये स्मूथली अंदर जा रही है, क्योंकि ये थ्री एक्सिस गिम्बल है। थ्री एक्सिस गिम्बल मतलब देर आर थ्री मोटर्स, 1, 2 एंड 3 on three axes which control the movement of the device which makes it very simple and very stable at the same time। हमें एक going motion बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा accurately काम करेगा ये। हमें एक ब्लॉग बनाना है, हमें एक सिंपल वीडियो बनानी है, जैसा आप देख रहे हो मैंने अपने टेरेस के ऊपर कैमरा के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल आई है। अब हम कर देते हैं इसको बटन डाउन होने से क्या होगा, इसका जो एक्सेस है ना वो हो जाएगा लॉक, मतलब हमें इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो एक टाइम लैप शूट करना है या फिर हमें एक स्ट्रेट जाना है, एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो ये कर देगा उसको लॉक। अब देखो मैं इसको इधर घुमाऊंगा ये नहीं घूमेगा, इधर घुमाऊंगा नहीं घूमेगा, अप एंड डाउन घुमाऊंगा ये कहीं नहीं घूमेगा। अगर मैं इसको इधर घुमा के बटन अप कर दूं तो फिर ये जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है मॉड्यूल ये उसी डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाएगा। देखो हो गया सिंपल। एंड जो बैक के बटन है, बैक का ऊपर वाला बटन इसको होल्ड करेगा, दबा दिया
देखो जैसे ये अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ऊपर ये अप वाले बटन पे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बैक का मैं डाउन वाला बटन दबाऊंगा तो जहां मैं इसको मूव करूंगा ये वहां मूव करेगा। देखो अब ऊपर ले आ रहा हूँ, ये ऊपर हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियोस बनाने के लिए बहुत काम आएगा ये चीज़ जो है। इसकी बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ मैं तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे अगर मैं 10 सिनेमैटिक वीडियोस शूट करूँ, वो भी एक एक घंटे लंबी, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 आवर्स का बैटरी बैकअप बहुत आराम से आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई लागत नहीं है। बात करूँ अगर इसके वेट कैपेसिटी की, ये लास्ट वेट, इसकी वेट कैपेसिटी की बात करूँ तो मेरा सैमसंग गैलेक्सी S8 है, आप गूगल करके इसका वेट चेक कर सकते हो कि इसका वेट कितना है। ये लास्ट वेट लेगा OnePlus 7 Pro का, आप उसका भी गूगल कर लेना वेट कितना है, लास्ट वेट वो उसने उस फोन का लिया था, उससे ज्यादा वेट ये चीज नहीं ले सकते। फिर ये झुक जाती है, इसकी मोटर्स काम नहीं करने लगती, एक्सेस बिगड़ जाते हैं हमारे आपकी वीडियो का। दैट्स व्हाई ज़ून स्मूथ 4 की एक एप्लीकेशन भी आती है जो फोन के अंदर डलती है और आप उसको वाया ब्लूटूथ अपने गिम्बल से कंट्रोल कर सकते हो ये मेन्यू। पर एट द सेम टाइम विद माय एक्सपीरियंस मुझे वो ऐप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगी, क्योंकि उसके साथ मैं काम ही नहीं कर सकता था। 720p एट 60fps आता था मैक्स रेजोल्यूशन, उसके बाद वो नहीं दे पाता, सिर्फ आईफोन के अंदर आता था फिर वो रेजोल्यूशन। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ स्टॉक कैमरा के साथ अपनी सेटिंग्स बिठाओ और इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा ही स्टेबल वीडियोस बन जाती हैं इसके साथ। थंबनेल ले लें, कहने को तो ये भी आता है कि इससे आप डॉली जूम भी ले सकते हो। डॉली जूम इन द सेंस कि जब आप एक ऑब्जेक्ट की तरफ जूम कर रहे हो, मतलब देखो जैसे जूम है और जैसे मैं पास आ रहा हूँ ना, ये होता है डॉली जूम। तो ये चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो विद दिस व्हील, पर वही ऐप करती है लैग, बस यहाँ पर यही दिक्कत है इसके अंदर। ड्रॉबैक्स मेरे को इसके लगते हैं वो है इसकी ऐप के साथ कंपैटिबिलिटी, जो इतने जो ओवर द ईयर इसके साथ ठीक ही नहीं हुई है। ऐप के साथ कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है, पर डिवाइस बहुत अच्छा है, इसके बिना काम भी नहीं हो सकता और इसके साथ काम रुकता भी है कुछ कुछ। सब्सक्राइब कर दो, पता है गिम्बल सबकी सुनता है, सब्सक्राइब करोगे ना तो ये तुम्हें देखेगा। अब बताता हूँ इसके नेगेटिव फैक्टर्स जो है। नंबर 1, द ऐप विच इज स्लाइटली नॉन कंपैटिबल। सेकेंड थिंग, एक गिम्बल के साथ अगर आपको एक GoPro अटैच करना है, उसके साथ वो गिम्बल अटैचमेंट नहीं दे रहा है। खैर अभी कोई भी नहीं दे रहा है, लेकिन बीइंग द बिगेस्ट फर्म्स इन गिम्बल, आपको वो अटैचमेंट देनी चाहिए जिससे आप एक्शन कैमराज भी इसके साथ माउंट कर सकते हो। वो इसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, है जुगाड़ है, पर दैट्स नॉट सेफ टू शूट, यू नीड टू शूट इट पैरेलली। अगर आप गिम्बल से फ्रंट को शूट कर रहे हो वैसे ही आपको GoPro उसमें उल्टा लगाना पड़ेगा। आप YouTube पर ट्यूटोरियल्स देखने बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। थर्ड थिंग, यू कांट यूज वाइड एंगल लेंस इन योर ज़ून स्मूथ 4 फ्रॉम योर स्मार्टफोन, क्योंकि जहां पर आपने वाइड एंगल लेंस यूज किया ना, इसका जो थर्ड एक्सिस मोटर है वो उसके अंदर विजिबल हो जाएगा और आपको इंटेंशनली वीडियो क्रॉप करनी पड़ेगी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि मैंने एक फेकिंग ड्रोन शॉट्स की वीडियो निकाली थी, जिसके अंदर मैंने स्मूथ 4 को 2 ट्राइपॉड्स के ऊपर माउंट किया था और उससे एक फेक GoPro फेक ड्रोन का शॉट निकाला था जो एकदम रियल लग रहा था, क्योंकि वाइड एंगल कैमरा से बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव आ रहा था एरिया का। सो या, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल इधर आ रहा है, जाके फॉलो कर लो। नाउ टॉक अबाउट हाउ द फैक्ट दिस थिंग इज येलो। भाई साहब आपको पहले बता दूं तो येलो तो मेरा एक तो पहले फेवरेट कलर है। कार के अंदर येलो, लैपटॉप के अंदर येलो, गिम्बल के अंदर येलो, शूज के अंदर येलो। अब आ जाते हैं क्वालिटी के ऊपर। अगर आप देखेंगे ओवर द टाइम जो रैप होता है ना हमारा, वो उतरता चला जाता है, जैसे कि आप हल्का हल्का देखेंगे यहाँ से टेयर डाउन होना शुरू हो चुका है रैप, लेकिन क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है ये रैप की। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो यहाँ अगर आपको किसी भी डिवाइस पर करवाना है तो बहुत सस्ता हो जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे इसका कॉस्ट पड़ा था कुछ 150 rupees के अंदर, ये पूरा गिम्बल रैप हो गया था मेरा। चेंज करा सकते हैं, मतलब मूड टू मूड डिपेंड होता है, किसी को येलो पसंद है, किसी को कार्बन फाइबर प्रिंट पसंद है, किसी को ग्लॉस ब्लैक पसंद है, किसी का व्हाइट गिम्बल है तो वो ग्लॉस ब्लैक भी करवा सकते हैं। बाकी इसके अंदर कर्व्स बहुत सारे हैं तो इसलिए दिक्कत आई थी इसके अंदर। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पॉइंट कि ये डिवाइस किसी को लेना चाहिए या नहीं। ऑलमोस्ट कॉस्ट इसकी आ जाती है 10,000 मिनिमम लेकर चले तो, वरना एवरेज आती है इसकी 12,000। व्हाट आई सजेस्ट इज इफ यू गो टू एनी क्लासिक फील, इफ यू गो टू OLX और क्विकर, वहां पर अगर आपको सस्ता मिल रहा है देन ग्रैब द डील। These things don't wear out. ये चीज़ खराब कभी नहीं होती है। They have a very big life. They are not like camera कि इसका इसके अंदर कोई filter होता है। They have very specially designed and high quality motors. And yeah, it's overall good to go with this device. I know the topic of the video is very outdated, पर मेरे को ये बनाना ज़रूरी लगा, क्योंकि जैसे इस gimbal की फोटो मैंने Instagram पर डाली थी, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इंक्वायरी करी थी कि ये येल्लो क्यों है और इसका क्या काम होता है। सो या, फॉर दैट 70 पीपल हु वोटेड फॉर द स्टोरी That they want to see a dedicated video. ये वीडियो आपके लिए थी। किसी भी रीज़न से आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करो,
पुराने हो तो शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आए तो कमेंट करके बताना कि यार क्या पसंद नहीं आया वीडियो के अंदर। तो एंडिंग इतने आराम से तो होने ही वाली, ऐसे करते हैं एंडिंग। देखो अगर ये तूफानी ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन लगी तो शेयर भी कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी यू, क्रिएट न्यू, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग, सुपर सून। Thank you.